नोएडा के नामचीन वाटर पार्क वर्ड्स ऑफ वंडर में आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वहीं जिसके बाद परिजनों ने आरोप भी लगाया था कि जो वर्ड्स ऑफ वंडर का मैनेजमेंट है उनके द्वारा समय पर उन्हें इक्विपमेंट ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी, समय पर नहीं ले जाया गया। इस पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए खुद वर्ड्स ऑफ वंडर वह GIP के मैनेजमेंट अधिकारी मौजूद हैं, जिनका नाम वीरेंद्र त्यागी है। उनसे बात करते हैं, दरअसल पूरा मामला था क्या और जो युवक के परिजन ने आरोप लगाए हैं उनको किस तरीके से देखते हैं और क्या इनका मानना है। सर, जो मृतक है धनंजय, जो वाटर पार्क में आया था अपने दोस्तों के साथ, तो उसकी मौत होने के बाद परिजनों का आरोप यह है कि उनकी जो आपका मैनेजमेंट है उसके द्वारा समय पर अस्पताल ले जाकर नहीं गया गया, जो एम्बुलेंस सर्विस है वो कहीं ना कहीं आपकी जो है फिसड्डी रही है, ऐसा उनका कहना है, और इसी कारण अस्पताल जाने के बाद उनके बच्चे की मौत हो गई। तो एक ऐसा उनके परिजन द्वारा आरोप है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं और क्या हुआ था आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जब दोपहर में जो धनंजय जी हैं वो आए थे अपने मित्रों के साथ, चार मित्र टोटल पांच लोग आए थे, जब हमारी राइड्स पे उन्होंने राइड लेके नीचे उतरे तो चार दोस्तों ने इकट्ठी राइड ली, जब वो नीचे उतरे तो उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो उनमें से दो दोस्तों ने कहा ठीक है आप बैठिए, हम दूसरी राइड पर जा रहे हैं, इतने आप बैठिए। इतने में हमारे स्टाफ ने जब उनको देखा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने पूछा भाई आपकी क्या दिक्कत हो रही है, तो कह रहे जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा सिर में भी दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा चलिए हम मेडिकल रूम चलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मेडिकल रूम नहीं, मुझे यहीं लेटने दो। उन्होंने देखा उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, इतने में व्हीलचेयर मंगा के उनको ले जाने लग गए मेडिकल रूम की तरफ। वहाँ पे बीच में डॉक्टर भी आ गए, डॉक्टर ने देखा उनको और हमें सजेस्ट किया कि इनकी हालत ठीक नहीं है, इनको तुरंत हॉस्पिटल ले गया। जैसे ही वो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया, व्हीलचेयर वहाँ पर थी, हम साथ डॉक्टर बीच में मिले हुए थे, हम साथ वहाँ पर एम्बुलेंस लगा के तुरंत जितना भी जल्दी हो सकती थी हमने उनके एम्बुलेंस के थ्रू कैलाश हॉस्पिटल भिजवा दिया। हाँ, देखिए एक सवाल ये भी है सर कि आखिर वर्ड्स ऑफ वंडर या वाटर पार्क को इसके क्या नॉर्म्स होते हैं जिस पे खुलता है और किस तरीके से? हमारे पास एक डेडिकेटेड किसी भी तरह की इस तरह की इंजरीज के लिए एक MBBS डॉक्टर, एक टेक्नीशियन, एक एम्बुलेंस जिसमें सारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है और ड्राइवर, ये तीनों उपलब्ध रहते हैं जब तक वाटर पार्क खुलता है और जब तक बंद होता है। तो सर, परिजनों का आरोप यह भी है कि जो आपके यहाँ पे मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं वाटर पार्क के आसपास वो मौजूद नहीं थे, काफ़ी समय बाद जाके जो आपके लाइफ गार्ड जो रहते हैं, जो आपके वहाँ पे एम्प्लॉय रहते हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं थे, जब काफ़ी समय बाद जब वहाँ शोर शराबा उसके बाद वो लोग वहाँ आए थे, ऐसा परिजनों का कहना है। देखिए, मैं खुद वहाँ पे था जब एम्बुलेंस में हमने धनंजय जी को लिटाया, वहाँ पे जो CCTV फुटेज थी हमने पुलिस को उपलब्ध करा दी है और जो भी हम बेस्ट कर सकते थे हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया और हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, गेस्ट को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। देखिए, हमारे साथ ये मैनेजमेंट की तरफ से वीरेंद्र जी थे, जिनका कहना है कि इनके द्वारा या इनके मैनेजमेंट द्वारा कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई। बहरहाल अभी पुलिस अभी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आने वाले समय में ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।